काट दिया, एक बार फिर से उनसे कोशिश करेंगे जोड़। रंजन साहब हैं फोन पर? बिल्कुल है, वो बोलेंगे। रंजन साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप ये बताएं कि यहाँ पर जिस वक्त गौरव पांच मकान के सामने खड़े हैं, अगर वो ये दिखा रहे हैं कि जो मंदिर है उसे भी चिन्हित कर दिया गया है, 1939 का राशन कार्ड लिए अगर एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है तो राजनीति से प्रेरित कैसे है? मैं उनकी बात की तो आपको जोर से कहना चाहूंगा कि कल अंबेडकर जयंती मनाए हो और उनके ऊपर कोई धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं। मना रहे रंजन साहब, वो अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, धर्म परिवर्तन के रूप में करके कह रहे हैं कितना दबाव है। आपके लोग जा जा करके धमकाते हैं कि धर्म परिवर्तन करो अन्यथा आपके यहाँ पर मकानों को तोड़ दिया जाएगा। अभी भी शक है क्या? के माध्यम से आपके माध्यम से रिपोर्टर के माध्यम से सुना सकते हैं। आपको तो एहसास होना चाहिए। आपके माध्यम से नगर पालिका के लोग उनके पास पहुंच रहे हैं और दलितों को धमका रहे हैं। अभी तक आपके पास सूचना नहीं है? मुझे लग रहा है शाह आजम खान का फोन आ रहा है आपके पास। मुझे लग रहा है शाह आजम खान ने तुम्हें भी धमका दिया। ठीक है, और जांच से इससे उठकर के आप राजनीति करें ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया दीपक रंजन साहब, आप कहीं मत जाइए, सिर्फ ये बताइए कि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं 1939 का राशन कार्ड लिए वो कौन सी राजनीति से प्रेरित हैं? रंजन साहब दिखाओ इनको वो कार्ड। तो इसमें उनमें आजम साहब का नाम कहाँ से आ गया? आजम साहब का अगर वो बैठे हुए नाम ले रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि रात को सोते वक्त उन्हें डर लगता है कि आजम साहब के लोग आएंगे और उनके घरों को तोड़ देंगे, ये आजम खान है, गब्बर खान है, किसने ऐसा कह दिया? किस चैनल ऐसा दिखा? वापस बिल्कुल बने रहिए, मैं दिखाऊंगा, सुदर्शन न्यूज दिखाएगा। रुकिए, आपको जो आप कह रहे हैं वो दोबारा सुनवाते हैं, सुदर्शन न्यूज पे लाइव दिखवाएंगे।